मेरा उन्होंने कहीं बयान सुना कि भाई बेवा औरत से भी निकाह करना चाहिए, तलाक याफ्ता से भी करना चाहिए, कंवारी से भी करना चाहिए। ये इतनी सारी औरतें बेचारी घरों में बैठी बर्बाद हो रही हैं, अल्लाह के बंदो इनका ख्याल करो। तो एक कंवारा लड़का था यंग, उसे कोई बेवा मिल गई, उसके यतीम बच्चे भी थे, मेरे पास आया। मैंने कहा बिस्मिल्ला कर लो, शादी कर लो। मैंने कहा तुम्हें पसंद आ रही है लड़की? उसने कहा हाँ पसंद आ रही है। मैंने कहा जब पसंद आ रही है तो गरीबी में सवाब ही सवाब, एक तो दुनिया का फायदा पसंद आ रही है, तो इससे बड़ा फायदा क्या हो सकता है कि जो चीज आपको पसंद आ रही है वो मिल भी रही है। क्या ख्याल है भाई? एक आदमी को इधर चिकन पका हुआ है, इधर कढ़ाई है, इधर चने की दाल है, उसको अच्छी चने की दाल लग रही है, तो वो परले दर्जे का बेवकूफ नहीं है कि वो सिर्फ इसलिए गोश्त खा रहा है कि लोगों को गोश्त पसंद है? अरे भाई तुझे जो पसंद है तू वो खाना। मैं एक दफा दावत में गया तो वो भिंडी रखी हुई थी, एक ही दफा गया, बार बार नहीं जाता दावत, इसको भी लोग पकड़ लेंगे, मौलवी लोग हर वक्त दावत में पहुंचे, एक दफा का जिक्र है, वंस अपॉन अ टाइम। भिंडी रखी हुई है, इधर गोश्त रखा हुआ है, मुझे भिंडी बहुत पसंद है, मैं भिंडी पे आ गया। कह रहे हजरत हमने आपके लिए इतना ये पकाया। मैंने कहा अबे भाई भिंडी के होते हुए इंसान किसी और तरफ देखे ये भिंडी की तौहीन है। मैं समझता हूं भिंडी मजे की पकी हुई हो तो कौन छोड़ता है भाई उसको। तो मैंने किसी नौजवान से ये कहा कि वो बेवा औरत थी, उसके यतीम बच्चे भी थे, शादी करना चाह रहा था। मैंने कहा बिस्मिल्लाह कर भाई, एक तो इसलिए कि आपको आपकी मरहूब चीज मिल रही है, दूसरा इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कंवारी से निकाह भी है बेवा से, तो कंवारियों से तो लोग लाखों कर रहे हैं, ये वाली सुन्नत हमारे माशरे में खत्म हो गई, तो इस सुन्नत जिंदा करने का बोलो भाई सवाब भी मिलेगा। तीसरा का फायदा क्या होगा? मैंने कहा यतीम बच्चों की कफालत, उफ उसकी तो इतनी फजीलत है, तो जन्नत कमाने का इससे बेहतर कोई जरिया है ही नहीं। कफालत के दो तरीके होते हैं, एक तो ये कि आप किसी यतीम बच्चे को पैसे देना शुरू कर दें, और एक तरीका होता है अपनी औलाद बना लें उसको, इससे बेहतर कौन सी कफालत होगी, उससे रिश्ता कायम कर ले। सौतेली बेटी भी हकीकी बेटियों की तरह होती है, उससे पर्दा नहीं होता, उससे निकाह हराम है हमेशा के लिए, महरम बना दिया अल्लाह ने उसको, तो कितनी बड़ी फजीलत के यतीम बच्चे के सर पे हाथ फेर जाए तो हाथ के नीचे जितने बाल आए उतनी नेकियां। अना व काफिरुल यतीम इनी कदा, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। तो मैंने कहा भाई मजा ही मजे, मौजा ही मौजा, थोड़ी सी पंजाबी में प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाती है, उसको ना पकड़ा करें, सीख रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता, मौजा ही मौजा। मैंने कहा और क्या चाहिए, बिस्मिल्लाह करो यार। अब वो किसी मौलाना साहब के पास चले गए, हजरत ऐसे मसला है मैं शादी कर लूं, तो उन्होंने कहा हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि मुझे नहीं पता वो मौलाना कौन थे, मैंने उनसे ज्यादा तफ्तीश की, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा हजरत बहलोल रहमतुल्लाह फरमाया कि रिश्तों की तीन किस्में, कंवारी से निकाह करोगे तो वो पूरी मुकम्मल तुम्हारी होगी, तलाक याफ्ता से करोगे तो आधी तुम्हारी होगी, आधी पिछले वाले की होगी, ठीक है, बेवा से निकाह करोगे और बच्चे भी हो बिल्कुल भी तुम्हारी नहीं होगी, क्योंकि वो अपने पुराने शोहर की यादें भी होंगी और अपने बच्चों की तरफ भी तवज्जो उसकी ज्यादा होगी, तुम्हें टाइम नहीं देगी। मैंने कहा ये बहलोल रहमतुल्लाह से ही जाके फिर फतवा लिया करो। हजरत बहलोल रहमतुल्लाह बुजुर्ग थे, इसमें कोई शुबा नहीं है कि अल्लाह के बंदो बुजुर्गों का एहतराम एक अलग चीज है, मगर क्या कुरान और सुन्नत ने हमें रहनुमाई नहीं की है? मैं जो तकलीद का हुक्म देता हूं वो मुजतहिदीन की तकलीद का कहता हूं, समझ रहे हो, जो मुहक्किकीन गुजरे हैं जिन्होंने कुरान और हदीस पे रिसर्च करके हमारे सामने कुरान और हदीस के मसाइल रखे उनकी तकलीद है, बाकी ये नहीं कि जो आए हर एक उसकी तकलीद करना शुरू कर दो। मुजतहिद की तकलीद जायज क्या, बल्कि जरूरी है, और गैर मुजतहिद चाहे कितना ही बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो उसकी तकलीद जायज नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, तकलीद मुज्तहिदीन की होती है, गैर मुज्तहिद की तकलीद नहीं होती। तो अब मैं अर्ज कर रहा था कि सहाबा किराम जो थे, अच्छा ये जो है ना, ये जो जवाब दिया कि बेवा बिल्कुल भी तुम्हारी नहीं होगी पूरी, ये गलत है, जवाब भी गलत है ये। अव्वल तो कुरान और सुन्नत ने जब एक चीज की तरगीब दे दी तो हमें हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह के इरशाद की क्या जरूरत है, उन्होंने अगर बिलफर्ज फरमाया भी है तो भाई गलती हो गई,
इंसान है, हर वक्त हर चीज मुस्तहजर नहीं रहती। और दूसरी बात यह है कि ऐसा जरूरी नहीं है, ऐन मुमकिन है वो बेवा आपसे ज्यादा मोहब्बत करे, ये सोचकर कि हमारे मुआशरे में बेवा औरत से निकाह कोई नहीं करता और बच्चे कोई नहीं पालता, तो मेरे मियाँ ने इतना मेरा ख्याल किया कि मुझसे निकाह भी किया और मेरे बच्चों की कफालत भी की, तो ऐन मुमकिन है इस बुनियाद पर वो ऐसी वफा करके दिखाए जो वफा कोई कंवारी लड़की नहीं कर सकती। समझ में आ रही है? दूसरी बात ये कि देखो, कुरान मजीद ने अल्लाह के नबी से फरमाया कि हम आपका निकाह कराएंगे बेवा औरतों से भी, तलाक याफ्ता से भी और कंवारियों से भी। उलमा ने यह हिकमत बयान की है कि अल्लाह ताला अपने नबी की नेमत के तौर पर यह क्यों बयान कर रहे हैं कि बेवा से भी निकाह कराएंगे, क्योंकि बेवा से निकाह को तो नेमत समझा नहीं जाता ना। इसकी उलमा ने हिकमत बयान की है कि बेवा या तलाक याफ्ता औरत मिचोर होती है और कंवारी औरत को तो अपने हिसाब से ढालने में कई साल लग जाते हैं, वो पहले से समझदार होती है, उसको पता होता है, और खासतौर पर तलाक याफ्ता है तो एक धचका पहले उसको लग चुका है, तो इसलिए ये बातें फजूल किस्म की होती हैं। वो अलग बात है कि आम हालात में नबी ने कंवारी से निकाह की तरगीब दी, आम नॉर्मल हालात, लेकिन इसके बावजूद सहाबा कराम इस तरगीब के बावजूद बेवा से भी करते थे, तलाक याफ्ते से भी करते थे। उसकी वजह यह थी कि वो ये जानते थे कि नबी ने जबान से तरगीब अगरचे कंवारी से दी है मगर अमली तरगीब बेवा औरतों से भी दी है। खुद आपने पहला निकाह किससे किया? हजरत खदीजा से, जो दो दफा बेवा हो चुकी थी।